वाहनों में ब्रेक का क्या रोल होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम आम वाहनों से काफी अलग होता है। आम वाहनों की तरह ट्रेन का लोको पायलट किसी भी वक्त सडन ब्रेक नहीं लगा सकता। लोको पायलट को ब्रेक लगाते समय बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि लोको पायलट के बिना कुछ किए ही ट्रेन का ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। आम वाहनों में आपको रोकने के लिए ब्रेक लगाना होता है, लेकिन ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम इससे थोड़ा अलग है। दरअसल ट्रेन का ब्रेक हमेशा लगा हुआ रहता है। लोको पायलट को जब ट्रेन चलानी होती है तब वो ब्रेक हटा देता है। जब ट्रेन चलानी होती है तो एयर प्रेशर के जरिए ब्रेक को टायर से हटा कर रखा जाता है, और जब ट्रेन को रोकना होता है तब एयर प्रेशर बंद कर दिया जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब ट्रेन रुकती है तो एयर प्रेशर रिलीज होने की आवाज आती है। ट्रेन को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। इसलिए लोको पायलट को हमेशा एक्टिव रहना होता है। लेकिन क्या हो अगर लोको पायलट सो जाए या किसी कारण वो बेहोश हो जाए, तब ट्रेन का ब्रेक कैसे लगेगा? दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सोच लिया गया था और इसका हल भी निकाल लिया गया। दरअसल ट्रेन के इंजन में डेड मैन स्विच या डेड मैन लीवर होता है, जिसे कुछ मिनट के अंतराल में लोको पायलट को दबाना पड़ता है। ट्रेन को चलाने के लिए स्विच का समय समय पर दबाना जरूरी है। ये स्विच ये बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक्टिव है। लेकिन अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या किसी अन्य कारण से वो इस डेड मैन स्विच को नहीं दबाता है तो ट्रेन का ब्रेक अपने आप लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। चलती ट्रेन के दौरान अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है तो ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है। इमरजेंसी स्थिति जैसे पुल का टूटना, जानवरों का बड़ा झुंड या लोगों की भीड़ का सामने आ जाना। लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही ब्रेक पाइप का पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है और ट्रेन के चक्कों पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ चक्के को रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी ट्रेन कई मीटर की दूरी पर जाकर ही रुकती है। अगर कोई जानवर या इंसान अचानक से ट्रेन के सामने आ जाए तो लोको पायलट कभी भी ब्रेक नहीं लगाता है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कई मीटर दूर जाकर ही रुकती है और ऐसे में टक्कर होनी तय है। इसके अलावा अचानक ब्रेक लगाने से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर ट्रेन के अंदर कोई ऐसी स्थिति घट जाए जिससे ट्रेन रोकनी पड़े तो चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी जा सकती है। अलार्म चेन खींचते ही अलार्म वाल्व में दिए गए चेक के ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और ट्रेन का ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगते ही हवा का प्रेशर कम होने लगता है। इससे लोको पायलट को हूटिंग सिग्नल मिल जाता है और वो ट्रेन को रोकने के पीछे का कारण पता करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज के इस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपके भेजे हुए फैक्ट्स पर वीडियो बनाएं तो आप अपने फैक्ट्स कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।